पुलिस हेडक्वार्टर से अर्जेंट ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जिसमें सूबे के 19 जिलों के उन लोगों के तत्काल कोविड 19 टेस्ट कराने के आदेश दिए गए हैं जिन्होंने उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जो लोग उसमें शामिल हुए थे और जांच में पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने को कहा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी अशोक तिवारी जुड़ गए हैं। अशोक, ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत बड़ा खतरा है, अब वहां पर यूपी प्रशासन पुलिस एक्टिव हो गए हैं, किस तरीके के कदम उठाए गए हैं? देखिए, दरअसल ये पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुख्यालय की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है और बाकायदा एक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 19 जनपद हैं उनको बाकायदा पत्र भेज के कहा गया है कि जो जो लोग इसमें शामिल थे उसकी सूची बाकायदा डीजीपी ऑफिस की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी संबंधित जनपदों में। उनसे ये कहा गया है कि उन तमाम सारे लोगों से जिला प्रशासन संपर्क करे अपने स्तर पर, स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके घरों पर जाए, उनसे अगर टेलीफोन से संपर्क हो सकता है तो टेलीफोन से संपर्क किया जाए और उसके बाद उनको क्वारंटाइन किया जाए, उनकी स्वास्थ्य जाँच कराई जाए और ये देखा जाए कि कहीं वो मरीज जितने भी इसमें आए हैं इसमें कोई कोरोना से संक्रमित मरीज तो नहीं है, क्योंकि इससे कोरोना के संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा हो सकता है। तो एहतियात के तौर पर डीजीपी की तरफ से एक एडवाइजरी एक पत्र 19 जनपदों में भेजा गया है और इसको लेकर बेहद सतर्क नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। आप देखिए कि आज सुबह से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जनपदों के दौरे पर निकले हैं, गाजियाबाद के दौरे पर थोड़ी देर पहले वो पहुंचे थे और इसके बाद वो मेरठ भी जाएंगे, उसके अलावा आगरा भी जाने की उनका प्रोग्राम बताया जा रहा है, जहां पर कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी जिला स्तर पर की गई है इसकी खुद वो मॉनिटरिंग भी करेंगे। और जिन 19 जनपदों में पत्र भेजा गया है डीजीपी मुख्यालय की तरफ से उन पर भी ऊपर मॉनिटरिंग की जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं उनकी तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है और लगातार ये ताकीद की जा रही है कि अगर उसमें से कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है तुरंत उसको जांच कराई जाए और उसके बाद उसको उपचार के लिए भेजा जाए। तो अभी फिलहाल बहुत ज्यादा सक्रियता देखने को मिल रही है। और दूसरी अहम बात यह भी है कि आज राजधानी लखनऊ की सड़कों पर बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है पुलिस, पूरी सख्ती के साथ नजर आ रही है, क्योंकि कल भी ऑर्डर जारी किए गए थे कि लोग बेवजह सड़कों पर ना निकलें, तो आज वो भी राजधानी लखनऊ की सड़कों पर देखने को मिल रहा है।